है आपका फिर से धमाकेदार फ्रेश स्टूडियो में, जहाँ पे आप सीखोगे कुछ बेहतर अपने जिंदगी के लिए। एक टीचर ने क्लास में बहुत बढ़िया स्पीच दी और अपने बच्चों को बताया कि जिंदगी को जीने के लिए हमारे पास कोई सपना होना बहुत जरूरी है, और वो सपना हमारी जिंदगी को अच्छा बनाने में आपकी पूरी मदद करेगा। लेकिन उस सपने को पाने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए उस टीचर ने पूछा कि आप सबका क्या सपना है। बच्चों ने अपने अपने सपने बताए। क्लास खत्म होने के बाद टीचर बाहर जा ही रहे थे कि लड़का उनके पास आ गया और आके रोने लगा। बोला कि सर, मेरा सपना है डॉक्टर बनना और हम चाहते हैं कि हम अपने समाज के लिए कुछ करें, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती, हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती। हमें बार बार इसी बात का दुख होता है कि मुझसे ये काम हो ही नहीं पाता। जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो ऐसे लगता है कि चीज़ें हमारे सर के ऊपर से जा रही है। हम कोशिश भी करते हैं फिर भी वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। पता नहीं क्यों ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, जिसकी वजह से कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम इस काम को कर ही नहीं सकते। वो टीचर उस बच्चे की बात को सुन के अपने आप में स्तब्ध रह गया। उससे बोला कि आप हमारे साथ ऑफिस में चलो। जब उस लड़का उस टीचर के साथ ऑफिस में गया तो टीचर ने बहुत ही प्यार की बात समझाई। उसने बोला कि तुम सबसे पहले कुर्सी पर बैठ जाओ। कुर्सी पर बैठ के उस टीचर ने उसके सर पर हाथ रख के बताया कि तुम्हें पता है एक हिरन की स्पीड लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और एक शेर की स्पीड लगभग 60 या फिर 65 किलोमीटर की स्पीड से होती है, लेकिन फिर भी बार बार शेर जीत जाता है और हिरन को मार के खा जाता है। इसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना ही है कि हिरन को हमेशा ये लगता है कि मैं उससे कहीं ना कहीं कमजोर हूँ, हालांकि उसे इतना भी नहीं पता होता कि उसकी स्पीड उससे ज्यादा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं शेर मुझे खा तो नहीं रहा, कहीं शेर मेरे पास तो नहीं आ रहा। बस यही पीछे मुड़ मुड़ के देखना उसे बार बार कमजोर कर देता है और आखिर में उस शेर के हाथों मारा जाता है। जिंदगी भी कुछ इसी तरह की है। तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या सीख सकते हो, तुम इस बात पे ना ध्यान देते हुए तुम सिर्फ इतना ही ध्यान देते हो कि हमारे पास क्या कमजोरी है या फिर ये काम हमसे हो ही नहीं रहा। उस टीचर ने उसे ये भी बताया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इस काम को सीख ही नहीं सकते। तुम सीख सकते हो, लेकिन कोई भी चीज पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तुम इस बात को बेहतर तरीके से जानते हो। उस टीचर ने उस बच्चे को समझाया, वो बच्चा अपने आप में ही खामोश रह गया। उसे शायद उसके सवाल का जवाब मिल गया था, लेकिन उससे भी मजेदार बात ये थी कि टीचर ने उसे ये भी समझाया, जब हम कभी छत पे चढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी हमें दूसरी सीढ़ी पे पैर रखना होता है तो हमें पहले सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है, लेकिन हम पहले सीढ़ी को छोड़ने को तैयार ही नहीं होते हैं। हालांकि इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब भी हम कुछ नया सीखिए तो हम इस बात को अपने आप में रियलाइज करवाएं कि हमारे अंदर कुछ सीखने की काबिलियत है। हम ऐसा तो नहीं कि उस काम को कर ही नहीं सकते, उस काम को कर सकते हैं एक तरीके से नहीं हजार तरीके से, लेकिन वो हजार तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो काम एक तरह से नहीं होता, शायद आपको सैकड़वें बार या फिर अलग तरीके से उस काम को करके आप उसमें सफलता पा सकते हो। इसीलिए अगर कभी आपको कोई चीज़ में सफलता ना मिले तो इस बात पे खामोश मत हो जाना कि हम इस काम को कर ही नहीं सकते। बस उस काम को करने के लिए एक नए तरह की प्लानिंग बनाना, एक नए तरह से सोचना, एक नए जरिए सोचना, क्योंकि जिंदगी का नाम ही है कोशिश करना। जिसने कोशिश नहीं की उसको कहने का कोई मतलब ही नहीं, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो। सिर्फ सफलता कह देने से कोई मतलब नहीं बनती, उन बातों का सिर्फ अगर आप गोल्डन वर्ड में प्रिंट करवा के अपने घर के बाहर भी लगवा दोगे तो बातें का कोई वैल्यू नहीं जब तक उस काम को आप करने लगते। सफलता तभी तक मिलती है जब आप उस काम को करते हो, इसलिए काम को करने की कोशिश करो। बहाने बनाना ये बीच में प्रॉब्लम आती है, जितनी बार प्रॉब्लम है उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको नए तरीके से शुरुआत करनी है, और आप इस बार भी हार नहीं मारोगे, क्योंकि बार बार हार के ही एक जीत का असली मजा होता है। बाकी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, अलग अलग उतार चढ़ाव आते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम आती है, लेकिन हर प्रॉब्लम को डील करने का अलग अलग तरीका होता है, और वो तरीका आप ही। बात डॉक्टर बनने की हो और बात बायोलॉजी की ना हो, ऐसा कहीं हो सकता है। इसीलिए काफ़ी स्पेशल बच्चों की यही रिक्वायरमेंट थी कि नेट की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे अच्छी और बेस्ट बुक कौन सी होगी जो उन जिनकी मदद से वो अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसीलिए मैं उनको रिकमेंड करना चाहूँगा दिशा पब्लिकेशन की तरफ से सबसे स्पेशल बुक, ये ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी ट्रैक बायोलॉजी फॉर एनटीए नीट। इस बुक की सबसे खास बात ये है, ये बुक पूरा इसमें आपको सिलेबस क्लास 11th और 12th का मिलेगा, और ये उन्हीं के ऊपर फुल एनसीईआरटी बेस्ड है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये बुक सबसे अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट है। इसके हाईलाइट टॉपिक में से ये है कि जैसे कोई भी चैप्टर आप इसमें खोलोगे पढ़ने के लिए, इसमें 11 और 12 के सारे चैप्टर इसमें इंक्लूडेड हैं। कोई भी चैप्टर खोलने के पहले आपको ग्राफ वाइज इसमें समझाया गया है इतने अच्छे तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक क्या है और इसमें हाईलाइट पॉइंट क्या क्या है, जिसको आप ग्राफ के थ्रू अच्छे से बिल्कुल ईजिली समझ सकते हो। उसके बाद आप समझोगे इसमें चैप्टर 8 ग्रेन्स माइंड मैप के थ्रू हुई, और साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप्स ट्रिक्स और पॉइंट टू रिमेंबर की काफ़ी इसमें हाईलाइट पॉइंट कौन से हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता है। इन सारे चीज़ों को देखते हुए आपको इसमें टिप्स भी हैं और साथ ही साथ ट्रिक्स भी है कि आप इसे कैसे ईजिली याद कर सकते हैं, और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से कौन कौन से है। साथ ही इसमें MCQs हैं और 5 सिंपल पेपर भी है, जिसमें आप साथ ही साथ एक तरफ से असाइनमेंट भी मिल जाएगी, आप अच्छी खासी आपकी प्रिपरेशन हो सकती है।
बुक के एमसीक्यू सारे टॉपिक्स वाइज कंसेप्ट के आधार पे हैं और सारे बेस्ड है एनसीईआरटी पे, और साथ ही साथ में आपको 15 से 20 चैलेंजिंग क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें सॉल्व करते हो तो ये आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ इस बुक में एनसीईआरटी एग्जामिनर पास्ट पिछले साल के भी जो नीट में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेई में, वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाएं, क्लिक करके इस बुक को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री इसी कंपनी के साथ ही साथ आपको इस तीनों बुक अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं।